जय श्री कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं 12 राशियों का फल। तो सबसे पहले राशि मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन जो चंद्रमा है वह नवम है। नवमे धर्म लाभश्च, जो धर्म का लाभ कराएगा एवं अटके हुए कार्यों को आपको सफलता की ओर भी ले जाएगा। इस प्रकार से आपका दिन व्यतीत होगा। आज आप हनुमान जी के दर्शन करके ही घर से बाहर निकलें अथवा गुड़ खाकर, तो आपके लिए दिन उत्तम होगा। दूसरी राशि वृक। वृक राशि वाले आपके लिए कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि आपके लिए अष्टमेश चंद्रमा है जो अष्टम है, तो कुछ स्थिति दुर्घटना इत्यादि की भी बन सकती है, इसलिए सचेत सतर्क रहें। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज के दिन जो चंद्रमा है वह आपको सप्तम है। सप्तमे राज सम्मानम कहते हैं, आपको राजनीतिक जैसे क्षेत्रों में सफलताएं भी दिला सकता है। चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वालों को आपको भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति हो सकती है एवं कोई संपत्ति का योग बन सकता है या कहीं से रुपया पैसा प्राप्त होगा। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले के जातकों के लिए आज आप अन्यत्र कहीं बाहर जा सकते हैं किसी काम के सिलसिले में। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों के लिए धर्म के प्रति आपकी बिल्कुल भी रुचि नहीं रहती है, इसलिए आप किसी दुर्घटना की आशंका से बचना चाहते हैं तो भगवान की शरण की ओर जाएं और कुछ धर्म के प्रति लगाव रखें एवं गणपति अथर्वशीष या पन्ना नामक रथ धारण करें। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वालों को आपको आज के दिन कोर्ट कचहरी जैसे मुकदमों पर विजय प्राप्त होगी। तहसील इत्यादि सरकारी क्षेत्रों में सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलेगा। अष्टम राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को कृषि इत्यादि जैसे क्षेत्रों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। नवम राशि है धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति के लिए आज आप कोई भी दुकान या व्यापार करते हो तो आपके लिए मध्यम होगा और आपका दिन शुभ होगा। दशम राशि है मकर। मकर राशि वालों को वाक का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण जैसे योग भी आपको आज के दिन बन सकते हैं। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले आज आप किसी भी कार्य से आज बाहर जा सकते हैं और आपका जो कई वर्षों या महीनों से अटका हुआ काम है वह सिद्ध संपन्न होगा। श्री हनुमान जी की आराधना करें, शनि स्त्रोत्र का पाठ करें अथवा नीलम नामक रत्न धारण करें। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज आप विद्या एवं विवाह के संकेत होंगे। यदि आप विवाह हो चुका है, संतान के योग बन सकते हैं और कोई नई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी भी प्रकार की समस्या तंत्र तंत्रोक्त इत्यादि के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।